हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। केवल एक क्लिक करना है सब्सक्राइब पे और उसके बगल के बेल आइकन पे क्लिक करना है। और प्लीज़, अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ इसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोडिंग की, कितने टाइप्स की लोडिंग है और किस तरह से हम उसे लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक मॉडल बना हुआ है। पहले इसका एक बीम को ले लेते हैं, उसी पे लोड ट्राई करेंगे। इस बीम को सेलेक्ट किया हमने, राइट क्लिक, न्यू व्यू, ओके। केवल ये बीम आ गया, इसको सीधा कर लेते हैं फ्रंट व्यू से। देखिए, लोड लगाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होता है जनरल, देन लोड एंड डेफिनेशन। इस पे आप क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज, लोड एंड डेफिनेशन रिलेटेड एप्लीकेशन यहाँ आ जाएगी आपकी। लोड एंड डेफिनेशन रिलेटेड डाटा ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है डेफिनेशन, उसके बाद लोड केस डिटेल, उसके बाद लोड एनवलप। इन चीज़ों तीनों को एक एक करके समझेंगे, लेकिन फर्स्ट हमें समझेंगे लोड केस, उसके बाद हम डेफिनेशन, उसके बाद हम लोड एनवलप। ये लोड केस होता क्या है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लोड टाइप और एक होता है लोड पैटर्न। टाइप में आ गया जैसे कि आपका डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, ये सब क्या है आपके टाइप्स। और पैटर्न होता है कि किस पैटर्न का है, वो पॉइंट लोड है कि वो यूडीएल है या वो ट्रैपोजॉइडल है, ये पैटर्न है। तो ये सारे पैटर्न आपके डेड के अंदर आ सकते हैं, है ना, लाइव के अंदर आ सकते हैं, विंड के अंदर भी आ सकते हैं, है ना। तो ये जो टाइप्स हैं इनके अंदर कोई भी पैटर्न आ सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक टाइप को हम स्टैट प्रो में बोलते हैं केस, लोड केस। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमें लोड केस बनाना। मान लीजिए डेड लोड का एक केस बना लिया, उसके अंदर फिर कौन कौन से पैटर्न लग रहे हैं, सेल्फ वेट लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, तो ये सब हो गए आपके पैटर्न। तो लोड केस बनाने के लिए हमें लोड केस पे क्लिक करना होगा और ऐड पे क्लिक करना होगा। तो एक विंडो आ जाएगी आपकी, ये आ गई। अब इस विंडो को भी समझ लीजिए, इस विंडो में जो पहले से डिफ़ॉल्ट ये जो आया है स्क्रीन, प्राइमरी की आई है स्क्रीन, यहीं से हम लोड केस बनाते हैं। लोड जनरेशन में आता है मूविंग लोड, इसकी बाद में बात करेंगे हम। उसके बाद लोड कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे बाद में, ऑटो लोड जनरेशन की भी बाद में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा प्राइमरी। तो प्राइमरी में क्या होता है, हमारा लोड केस बनाते हैं। तो लोड केस देखिए, वन आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट लोड केस बना रहे हैं। अब वो लोड केस किस टाइप का, डेड है, लाइव है, विंड है, उस टाइप का। तो ये इतने सारे लोड केस दिए हुए हैं, तो मैं ले लेता हूँ डेड। ये तो हो गया लोड केस वन और टाइप डेड। उसका टाइटल क्या रखना चाहते हो भाई, जो टाइप होता है आपका वही टाइटल रखना चाहते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें, है ना, कि जो टाइप से वही टाइटल रख दो। तो टाइटल रख दिया मैंने इसका डेड। और यहां पे ऐड किया, ऐड करके देखिए दूसरा लोड केस बनाने के लिए आ गया है। दूसरा भी बना सकते हैं आप, लाइव, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टाइटल लाइव, और ऐड कर दिया। ऐसी तरह से आते जाएंगे, इसे क्लोज कर देते हैं। देखिए, एक डेड लोड बन चुका है, एक लाइव लोड। अब डेड पे क्लिक करोगे, फिर ऐड पे क्लिक करोगे, अब पैटर्न ऐड करने को आएगा। पहले हमने लोड केस पे क्लिक किया और ऐड किया, तो क्या बनाने के लिए आया, लोड केस। अब लोड केस जो बन चुका है उस पर क्लिक करके फिर क्लिक करेंगे ऐड पर, तो क्या आएगा हमारा, लोड पैटर्न्स, डेड लाइव सॉरी पॉइंट लोड, यू डी एल, यू वी एल, ये सब टाइप आएंगे। देखिए ये आ गए। सबसे पहला क्या है आपका, एक एक करके हल्का हल्का बता देता हूँ। सेल्फ वेट
ऑटो स्टार्ट प्रो ऑटोमेटिक सेल्फ वेट कैलकुलेट कर लेता है खुद का जो वेट है उसका, ये लगाने के लिए। नोडल जॉइंट्स पे अगर मैं फोर्स लगाना है, मेंबर बीम कॉलम पे अगर फोर्स लगाना है, फिजिकल मेंबर जो बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं उन पे लोड लगाना है, एरिया लोड किसी एरिया पे लगाना है, फ्लोर यानी कि स्लैब पे, प्लेट लोड लानी कि प्लेट पे, सरफेस यानी कि सरफेस वॉल, एक वॉल जिससे बनाते हैं उसी को सरफेस बोलते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर, सीज़मिक, टाइम हिस्ट्री, विंड, स्नो, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा, रिपीट लोड, फ्रिक्वेंसी, ये सब क्या है, लोड पैटर्न है हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सेल्फ वेट में। सेल्फ वेट पे जब क्लिक किया मैंने तो उसी के नीचे आ रहा है एक और सेल्फ वेट, उस पर क्लिक करता हूँ तो फिर ये आता है विंडो, डायरेक्शन और फैक्टर। अच्छा बताइए आप अगर कोऑर्डिनेट देखिए, यहाँ पे देखिए स्टैट प्रो में जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट होता है वो होता है वाई। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है तो उसको ग्रेविटी की वजह से उसको सेल्फ वेट की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, ये होगी माइनस वाई, है ना। तो इसलिए हम हमेशा, वो रेयर केस होते हैं एक्स-जेड के लिए, हमेशा हम वाई सेलेक्ट करते हैं और डिफॉल्ट रहता है भी। और फैक्टर क्या होगा, जो भी वेट है वो उसमें अगर माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दें तो डाउनवर्ड हो जाएगा ना, तो इसलिए फैक्टर माइनस वन। तो ये रह के हमने क्लिक करके ऐड किया, क्लोज। देखिए यहाँ आ चुका है सेल्फ वेट और इसके पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब सेल्फ वेट यहाँ तो आ गया है पर अभी इस स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर पे मैंने क्लिक किया और इसको असाइन कर दिया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन कर दिया, यस। अब देखिए क्वेश्चन मार्क चला गया, यानी कि सेल्फेट इसके ऊपर आ चुका है। सेल्फेट दिखाई नहीं देता कि कहाँ क्या पैटर्न है उसका, कुछ एरो एरो से किसी चीज़ से दिखाई नहीं देता। अब मैं डेड लोड पे क्लिक किया और ऐड किया, देखिए बहुत सारे लोड है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे केवल नोडल लोड की और मेंबर लोड की। ठीक है, तो सबसे पहले नोडल लोड, तो नोडल मीन्स जॉइंट लोड, नोड उसके अंदर दो चीज़ आती है, सपोर्ट पर डिस्प्लेसमेंट देना है, सिंक हो जाती है ना, अपने स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा सपोर्ट सिंक वाले केस, वो चीज़ है। और नोड पे जॉइंट पे कितना फोर्स लगाना है, जैसे मैंने किस जॉइंट पे क्लिक किया तो ये आ गया। तो एक जॉइंट पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, कितनी डायरेक्शन होती है, सिक्स, तीन मूवमेंट और तीन फोर्स। तो किस डायरेक्शन में आप लगाना चाहते हो जॉइंट, मैं चाहता हूँ कि वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड में माइनस 10 किलोमीटर लग जाए और एक जेड डायरेक्शन मूवमेंट लग जाए पॉजिटिव। ठीक है, छः के छः आप एक साथ भी लगा सकते हो, और मैंने ओके कर दिया, क्लोज। देखिए फोर्स आ चुका है, किस जॉइंट पे लगाना है, तो मैंने नोट कर्सर लिया और वो जॉइंट सेट के इस पे लगाना है और असाइन कर दिया यहाँ पे क्लिक करके, देखिए लग चुका है। तो हमने दो कौन से फोर्स लिए थे, एक वर्टिकल फोर्स और एक मोमेंट। मोमेंट तो दिखाई नहीं दे रही, और वर्टिकल फोर्स का भी इतना बड़ा एरो है कि हम जूम आउट भी कर रहे हैं तो भी नहीं छोटा हो रहा। देखिए इसका एक तरीका होता है करने का, ठीक, आपको जाना होगा इस आइकन पे, सिंबल एंड लेबल, इस पे मैंने क्लिक किया, ये विंडो आ गई। ठीक है, अब इस विंडो में जाना है आपको स्केल पे। ठीक है, ये कौन सा फोर्स लग रहा है आपका, पॉइंट फोर्स है ना, पॉइंट फोर्स, देखो ये रहा इसका स्केल जो है, हम मैं इसका स्केल ये पहले हैं अप्लाई इमिडिएटली कर देते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे इफेक्ट पड़ता रहेगा। इसका स्केल बढ़ाता हूँ, देखिए एरो छोटा होता जा रहा है, जितना अपने को रखना है, इस एरो छोटा हो रहा है, इससे लोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लोड 10 किलोमीटर नहीं है। दूसरा हमारा क्या लग रहा था, मूवमेंट, पॉइंट मूवमेंट, पॉइंट मूवमेंट, इसका भी हम स्केल बढ़ाते हैं, देखिए ये लगे इतना बड़ा था कि हमें दिखाई नहीं दे रही थी, अपने अकॉर्डिंग उसका सिंबल को एरो को का साइज कर लेते हैं, ओके। ठीक है, तो ये लग चुका है हमारा जॉइंट फोर्स, हम चाहते हैं यहाँ पे वैल्यू भी लिखी हुई है, तो शिफ्ट प्लस वी, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब डेड लोड पर क्लिक करते हैं और ऐड करते हैं नोडल लोड। तो समझ में आ गए, एक बार सारे फोर्स लगा के देखें, एक्स में लगा देते हैं, वाई में भी, जेड में भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, छः के छः फोर्स लगा दिए हमने, और इसको दूसरे जॉइंट पे अप्लाई कर देते हैं, ये देखिए सारे फोर्स लग गए हैं। ठीक है, तो ये तो अब नेक्स्ट चल, नेक्स्ट डेड लोड में क्या है,
नोडल लोड के बाद है सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट, कि आप सपोर्ट को कितना सिंक करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ 10 mm हो जाए, यानी 0.010, और वाई डायरेक्शन हो, ठीक है। और डाउनवर्ड के लिए माइनस ऐड कर लिया मैंने, क्लोज ये आ गया, इस पे लगा देता हूँ मैं। ये देखिए सिंक हो गया, इसका आइकन ये है, ठीक है। तो ये थे आपके, इसी तरह लाइव लोड में भी यही पैटर्न आप यूज कर सकते हैं। तो आपका सेल्फ एड हो गया, नोडल लोड हो गया, और उसमें ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है मेंबर लोड। मेंबर लोड में काफ़ी सारे, और हमारी वीडियो 10 मिनट तक की हो चुकी है। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि वीडियो हमारे 10 मिनट तक ही रहे, क्योंकि उसके बाद बोरिंग होने लग जाती है। 10 मिनट 10 मिनट की रुक रुक के अगर बनाएं तो अच्छा रहता है, और मुझे अभी कुछ काम भी पड़ गया है। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं मेंबर लोड्स की बात करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू, अगर आपको समझ में आई हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।